नमस्ते जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज ना हम बनाने जा रहे हैं पनीर अंगारा। रेस्टोरेंट की स्टाइल की डिश है और रेस्टोरेंट्स में जब खाते हैं तो 700-800 रुपए का बिल बैठ जाता है एक बाउल का। हम घर में ही बनाते हैं, 200-250 रुपए में काम हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पनीर अंगारा बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना है मसाला। मसाले में हम तेल गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे दालचीनी, 3 से 4 ले लेंगे हम। हरी इलायची वो डाल देंगे, 4-5 ले लीजिए लौंग वो डाल दीजिए, 1 छोटा चम्मच हमें लेनी है काली मिर्च वो डाल लीजिए। जैसे जैसे तेल गर्म होता रहेगा मसाले डालते रहेंगे और इसमें डाल देंगे 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च। इसको सॉटे कर लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे बिल्कुल पतले पतले स्लाइस करे हुए प्याज। ये 3 से 4 प्याज मैंने ले लिए हैं मीडियम साइज के, वो हम इसमें डाल देंगे। प्याज जब तक ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता तब तक इसको हम पका लेंगे, सॉटे कर लेंगे अच्छे से। जैसे ही खड़े मसाले डालने के बाद प्याज डाल के भूनेंगे ना, बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी किचन में। मेरे आनी शुरू हो गई है, आप बनाना शुरू कर दीजिएगा, आपके आनी शुरू हो जाएगी। देखिए जी, ये हमारे प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं थोड़े और मसाले, जैसे कि 1/2 इंच अदरक। ये मैं चॉप करके डाल रही हूँ क्योंकि इसको पीसना है मुझे, तो पीसने में दिक्कत ना हो इसलिए। और 3 से 4 हरी मिर्च, या हरी मिर्च आपके स्वाद अनुसार जितना तीखा खाना चाहे उस हिसाब से ले लीजिए। तो चला लीजिए साथ में। इसमें डालेंगे हम 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 8-10 डाल देंगे इसमें काजू, को भी अच्छे से एक बार चला लीजिए। इसमें डाल देंगे अपन टमाटर, 5 टमाटर हैं छोटे मीडियम साइज के, उनको चॉप कर लिया है। चाहे तो लंबे लंबे काट लीजिए, चाहे चॉप कर लीजिए, जैसा भी डालना चाहें वैसे इसको। अब जब तक टमाटर नहीं पक जाता, सॉफ्ट नहीं हो जाता टमाटर, तब तक हमें इसको मसाले को भूनना है। डाल देंगे थोड़ा सा नमक जिससे हमारा ये मसाला जल्दी से पक जाए, टमाटर जल्दी से गल जाए। बस 3 से 4 मिनट लगेंगे टमाटर गलने में। डिश बहुत टेस्टी बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी, इसकी मेरी गारंटी है। देखिए जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा टमाटर जो है ना वो गल गया है। टमाटर देखिए रेड रेड मिल जाए ना, बिल्कुल लाल वाले टमाटर देसी, तो वो लीजिएगा, कलर बहुत बढ़िया आएगा उससे। मेरे टमाटर थोड़े से पीले थे इसलिए ये थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है। बस गैस बंद कर दीजिए और इसको मसाले को हटा लीजिए गैस पे से, 2 से 3 मिनट ठंडा होने दीजिए। गैस में ना थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दीजिए, 1/2 या 1/4 ग्लास में पानी डाल दीजिए, ये ठंडा हो जाएगा जल्दी हमारा मसाला। अब इसे हमें पीसना है, ये ठंडा हो गया है, अब इसको पीस लेते हैं। ये देखिए जी, बिल्कुल फाइन पेस्ट करना है, हमने कर लिया है। अब इसको ट्रांसफ़र करते हैं बाउल में, पर उससे पहले ना हमें इसको छानना है, इसको और फाइन लेना है हमें, कि कोई ज़रा सा भी ना मुँह में कुछ आए ना। इसको छान लेते हैं। दालचीनी और लौंग वगैरह डाली ना हमने इसमें, उसके वो आना नहीं चाहिए मुँह में, बस पेस्ट आना चाहिए, जैसे जैसे रेस्टोरेंट्स में आता है ना, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी पेस्ट लाइक दैट। बढ़िया से इसको छान लीजिए। देखिए थोड़ा दरदरा रह गया था, वो हट जाएगा। गैस को एक बार थोड़ा पानी डाल के और पीस लीजिएगा। इस ग्रेवी को आप ना, ये जो एक्स्ट्रा जो बचेगा, इसका मोटा मोटा हिस्सा जो बचेगा ना, हार्ड पार्ट, आप किसी और सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं, या तो डिस्कार्ड कर दीजिए, नहीं तो किसी और सब्जी में डाल दीजिए। सारा पेस्ट बिल्कुल क्रीमी क्रीमी पेस्ट हमारे पास आ गया, हमें ये ग्रेवी की चाहिए। चलिए छौंकने की तैयारी करते हैं। तेल ले लिया 1 बड़ा चम्मच, और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाए
इसमें डाल दीजिए एक चम्मच जीरा, छोटा चम्मच, एक तेज पत्ता डाल दीजिए और एक बड़ा चम्मच डाल दीजिए जीजी पेस्ट, पर मेरे पास है जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट तो मैं वो डाल रही हूँ। एक बड़ा चम्मच डाल के पानी है चिटोरेंगी, ध्यान रखिए अच्छे से, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही काम करिए। और अब इसमें हम डाल देंगे हमारा ये जो पेस्ट हमने बना के और छान के रखा है ग्रेवी। अब 2 से 4 मिनट तक इसको सॉटे करिए अच्छे से। 1 से 2 मिनट हो गए मेरे को इसको पकाते हुए और अब देखिए इसका ऑयल थोड़े थोड़े ऊपर आने लग गया है। वैसे तो ये पका हुआ ही है हमारा मसाला, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ सूखे मसाले, मिर्ची आपके स्वाद अनुसार, क्योंकि वैसे अंगारा बोला है तो अंगारा होना ही होना। मिर्ची इसकी थोड़ी सी तेज होती है, थोड़ा आधा चम्मच के करीब छोटे हल्दी, एक बड़ा चम्मच धनिया और उसको चलाइए। अब ये सूखे मसाले जब तक पके तब तक थोड़ा थोड़ा सा हिलाते हुए इसको पका दीजिए। एक छोटा चम्मच इसमें डाल दीजिए जीरा पाउडर, भुने हुआ जीरे का पाउडर डालिएगा और नमक डालना है स्वाद अनुसार। पहले हमने नमक डाला हुआ है तो थोड़ा ध्यान से डालिएगा, ज़्यादा तेज ना हो जाए, और मसालों को अच्छे से पका लीजिए जब तक पूरा ऑयल ऊपर तक रिलीज ना हो जाए। चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ी लिक्विडिटी इसकी बढ़ानी है तो, अदरवाइज ठंडा पानी मत डालिएगा, क्योंकि जब गर्म चीज़ में अपन ठंडा डालेंगे ना पानी तो फिर वो उसको भी कूल डाउन कर देगा मसाले को। मसालों को अच्छे से पका लीजिए, बढ़िया सा बॉईल आ जाए इसमें हमारी ग्रेवी के अंदर। तब तक ये देखिए 2 से 3 मिनट हुए हैं, इसने ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया मसाले ने और बढ़िया से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज की शेल्स करके रखे मैंने और शिमला मिर्च को भी ऐसे ही शेल्स के रूप में काट लिया है, तो अब हम इसमें ये दोनों चीज़ें डाल देंगे, प्याज और शिमला मिर्च। 2 शिमला मिर्च लिए हैं और 2 ही प्याज लिए हैं बड़े और उनके शेल्स निकाल लिए हैं। वैसे तो मेनली जो पनीर की डिशेस होती हैं मेनली तो मीठी ही बनती हैं, थोड़ी उसमें मिर्ची विर्ची नहीं होती, कम ही मिर्ची होती है, पर ये जैसे का नाम है इस डिश का पनीर अंगारा, तो इसमें थोड़ी सी मिर्ची तेज होती है। अगर आप मिर्ची कम खाते हो तो उस अकॉर्डिंग मिर्ची डालिएगा। ये मेरे पास 250 ग्राम्स पनीर रखा है, इसके क्यूब्स काट लेती हूँ और वो भी इसमें डाल देंगे अपन। ये पनीर इसमें डाल देते हैं और अच्छे से इसको कोट करते हैं। गैस को बिल्कुल सिम कर दीजिएगा, मीडियम पे काम नहीं करना है, आप सिम आँच पे काम करना है। 2-3 मिनट सब्जियों को इसके साथ सॉटे करते हैं। ये बढ़िया से सॉटे हो गया, सारा घी रिलीज कर दिया, तेल ऑयल जो भी डाला हमने, और ये अब इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके, चुटकी भर डालिए गरम मसाला और इसको अच्छे से एक बार सॉटे कर दीजिए। अब ये ना तेज पत्ते का काम हमारा पूरा हो चुका है तो आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसमें से सारा ग्रेवी हटा लीजिए और इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। ये सब कुछ हो चुका है, अब लीजिए घर की ताजी मलाई 2 बड़े चम्मच, 2 से 3 बड़े चम्मच ले लीजिए और वो इसमें डाल दीजिए और गैस को बिल्कुल सिम कर दीजिए और बिल्कुल ना स्लो गैस पे, बिल्कुल सिम गैस पे इस मलाई को अच्छे से इसमें मिक्स करिए। जब तक मलाई अच्छे से अपना घी रिलीज कर दे तब तक इसको हमें और पकाना है और इस पर हम डालेंगे, मलाई पिघल चुकी है, उसने अपना घी रिलीज कर दिया है और इसका तीखापन थोड़ा सा कम कर दिया है, हल्का सा है तो अंगारा ही, खाने में तो अंगारा ही लगने वाला है। अब इस पर डालिए आप हरा हरा धनिया, बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दीजिए। अभी बंद मत कीजिएगा वीडियो क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। एक गैस पे रख लीजिए कोयला और उसको कर लीजिए अच्छे से गरम। इसको जिसमें भी आप सर्व कर रहे हो, क्योंकि मैं तो इसको
पैन में ही सर्व कर रही हूँ, इसलिए इसको इसी तरह से डेकोरेट कर दीजिए। और एक मेन चीज जो हमने अभी कोयला गरम किया था ना, अब उसका काम है। इसमें रखिए एक प्याज या कोई कटोरी रख लीजिए और ये कोयला इसमें रख दीजिए और इसमें डालिए एक चम्मच घी। इसको कर दीजिए कवर जिससे कि सारी स्मोक इसके अंदर आ जाए। देख रहे हैं ना, ये सारा स्मोक इसमें भर रहा है, टेस्ट डेवलप हो जाएगा इससे। अब देखिए जी, कमाल। इसको हटाइए। अब ये कोयला हटा लीजिए, प्याज भी हटा लीजिए और इसको सर्व करिए, एंजॉय करिए। और मुझे बताइए आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।